प्यारे मित्रों नमस्कार आज का लेक्चर नंबर सिक्स है आज के टॉपिक है कनेक्शन एंड थर्मल कनेक्टिविटी तो हाइन डाल लो यहाँ पर कंडक्शन ठीक कनेक्शन के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं ये हमारे सामने कोई बायर है या किसी भी मेटल का कॉपर का आयरन का बायर हो सकता है और उसमें अंदर हम देख रहे हैं कुछ एटम हैं है ना एटम होने के साथ साथ तो एटम के बाहर मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख पा रहे हो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जितना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कन्क्टर होता है उतना उतना ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक तो हम लोगों ने देखा कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है दो तरीके से होता है नंबर दो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल या फिर इंट्रेक्शन ऑफ पार्टिकल से और नंबर दो फिर इलेक्ट्रॉन से तो लिखिएगा हेयर थर्टी परसेंट हीट ट्रांसफर ड्यू टू थ्रो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स फिर लिखो सेवेंटी परसेंट हिट ट्रांसफर ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास कोई स्लेब है और यहाँ से क्या हो रहा है कि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो यहाँ से मान लेते हैं कि ट्वेंटी जूल एनर्जी जो है पर सेकेंड में ट्रांसफ़र हो रही है तो इस ट्वेंटी जूल को एनर्जी ट्रांसफ़र वो दो वजह से हुई है नंबर वन जो नंबर वन जो वाइब्रेशन मॉलिकल्स का है आइटम का है उनकी वजह से और नंबर दो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से तो, तो ट्वेंटी में अगर हम देखें तो जो थर्टी परसेंट है ट्वेंटी का जो थर्टी परसेंट पार्ट है यानी छ जो छः जूल पर सेकेंड एनर्जी जो है एक सेकेंड में छः जूल एनर्जी और निकली है वो सिर्फ मॉलिक्यूल की वजह से और रिमेनिंग जो फोर्टीन जूल पर सेकेंड है वो क्या है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से है तो लिखेंगे हम आगे लिखेगा कंडक्शन के बारे में इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन बिच मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज देयर पोजिशन यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है और वाइब्रेट करते समय अपनी एनर्जी को अगले वाले मॉलिक्यूल को देता है टेम्परेचर यहाँ घट रहा होता है डायक समय जो मॉलिक्यूल होता है उसको देता है बट क्या है कि दोनों तरफ देगा बट वो एवरेज हम मानते हैं कि हीट ट्रांसफर यहाँ से वहाँ हो रहा है तो फोन देता है इस तरीके से बट अपन जगह नहीं छोड़ता है एंड हीट एनर्जी ट्रांसफर

या फिर एडिसेंट बन बाई दायब्रेट बाइब्रेटरी मालिक्यूल्स एंड ड्रिफ्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनके ड्रिफ्टिंग की वजह से और मोलिक्यूल का आपस में टकराने की वजह से अपना मोमेंटम एनर्जी देने की वजह से क्या होता है हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन होता है या क्वेश्चन को ड्रिफ्ट क्या होता है तो आपने ट्वेल्थ में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा होगा स्टार्टिंग में ड्रिफ्ट ट्वेल्थ थर्टी जिसको हम लोग पढ़ते बी डी फोन रहता है एन आई ए करके से फॉर्मूला था ना इस टाइप से तो वो आप ड्राइव कर सकते हो मोबाइल फार्मूला है ना वो आपके आधार आ होगा कैसे ड्राइव करोगे इसको देखिएगा फॉर्मूला होता है ना बी इक्व बी इक्व टू आई आर है ना बी इक्व टू आई आर फार्मूला होता है बी इक्व टू आई आर ओम्स लॉ इससे हम निकाल सकते हैं है ना तो जो फार्मूला निकल के आता है वो है आई इक्व टू एन ई ए वी डी है ना तो जो वी डी है डेड प्रथरिटी है एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं किसी बैर में रैंडमली यहाँ से वहाँ वहाँ से हाँ तो आपस में झिकझाए के मौसम उनके बीच में होता है तो बहुत ही मिनिमम प्रोथोरिटी है जो मिल पाती है उनको तो उस वेसलिटी को डेफ्ट वेसलिटी कहते हैं तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक का पार्ट है जो आपने पहले पढ़ा होगा ठीक है इतनी समझ में गई अब क्या है कि जो हम बात कर रहे हैं फिर से हीट का ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा भी है कि आपस में जो वाइब्रेशन है इससे हीट का ट्रांसफर हो रहा है बट आप बोलोगे सर जो मेटल हैं उनमें तो मान लिया कि फिरटान होते हैं तो उनसे हो सकता है बट जो बॉडी मेटल नहीं है उनमें फिरटान नहीं होते हैं तो उनमें सर कैसे होगा तो उनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन मोशन है उसी से होगा लिखिए लिखो नोट लिखो बट ए बॉडी एक्सेप्ट मेटल हीट ट्रांसफर पूरा लिखना ओनली सिंगल वे मीन्स बाई वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्स ठीक तो सिंगल वे उनके पास कि वो वाइब्रेशन या मोलिकूल के द्वारा ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस है लिखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज आ गुड कंडक्टर ऑफ हीट आल्सो अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा सुचालक है उसका चालक है मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सकती है तो उससे हीट भी आराम से पास हो सकती है ठीक पर इसका उल्टा हमेशा सब तो वो ठीक नहीं है समझ बोले अगर कोई हीट आराम से पास होते थे तो एक्सिटी पास होती तो जे वाली बात बिल्कुल परफेक्ट ठीक नहीं है तो कहीं कहीं जगह ये वाली बात सही नहीं पाई है ठीक है तो ऊपर जो सेंटेंस लिखा है ये परफेक्ट है अपने आप में सही थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम एक सेंटेंस और लिख सकते हैं लिखिएगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफन सन्स कैन बी डिफाइन एज मोबा मोबाइलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर ठीक किसी भी पॉइंट से किसी भी जगह से हीट का का मोबाइल मतलब हीट का मोशन कितनी तेज़ हो सकता है ये थेमोगी हमें बताती है मतलब हमें किसी भी तार से किसी भी मेटल से किसी भी बॉडी से हीट ट्रांसफर अगर बहुत तेज़ी से मोशन हो रहा है हीट का बहुत तेज़ी से मोशन हो रहा है वो हीट हीट बहुत तेज़ी से मूव कर रही है इसका मतलब उसकी के की वैल्यू ज़्यादा है चलिए हम कुछ सबस्टैंड आपको दिखाते हैं तो आपको आइडिया लगेगा उनकी के वैल्यू कितनी होती है आइए देखें लिस्ट बना लेते हैं हम यहां लिखो एलिमेंट यहाँ लिखो थर्मल कनेक्टिविटी थर्मल तो टॉपिक लिखो के फार डिफरेंट एलिमेंट्स है ना नंबर वन अच्छा जो इसकी जो यूनिट होती है वो अपॉन मीटर इनटू टू ठीक सिल्वर इसकी जो होती है वो होती है चार सौ दस कॉपर की होती है तीन सौ पचासी एल्यूमिनियम की होती है दो सौ स्टील की होती है सत्रह से लेकर चालीस गोल्ड की होती है तीन सौ नब्बे और डायमंड की होती है इक्कीस सौ यहाँ पर देखो कॉपर की तीन सौ पचासी है और डायमंड की इक्कीस सौ है, है ना तो अगर हम इनमें डिवाइड करें अगर इनको आपस में डिवाइड करें इक्कीस सौ बटे तीन सौ पचासी इक्कीस सौ बटे तीन सौ पचासी लगभग फाइव पॉइंट फोर फाइव आ रहा है ठीक तो इसका मतलब है कि जो डायमंड का वो जो हमारा है बोलो पाँच गुना तो है ही कॉपर के हिसाब से ठीक तो डायमंड का जो के है वो तो कापर मुकाबले में पाँच गुना है ठीक तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आ, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है एक बार बना हुआ है पीएससी में तो इस तरीके से इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि डायमंड जो है कि उसकी थर्माक्राट्री बहुत ज़्यादा है ठीक है बट और ज़्यादा है कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब जो है कि वो सिल्वर से भी लगाओ पाँच गुना है ना और कॉपर से भी लगाओ पाँच गुना है तो डायमंड की के वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट डायमंड यूज करना क्या है बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा है डायमंड का अगर हम तार बनाएंगे और उनसे हम आ, मतलब डायमंड का तार तो नहीं बना सकते डायमंड को हम किसी भी तरीके से हम हीट एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ हीट एनर्जी के लिए हम यूज़ करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा तो वो हमारे काम का नहीं है ठीक हम यहाँ पर हीट के बारे में बात कर रहे हैं डायमंड से हीट ट्रांसफर हो सकता है राइट तो ऐसे गोल्ड के बारे में बात करूँ तो गोल्ड और सिल्वर और कॉपर ये लगभग एक जैसे हैं और इनसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट ट्रांसफ़र हो सकता है तो आ, या आपको एक आइडिया लग गया होगा कि तो अगर हमें बहुत तेज़ हीट ट्रांसफर करवाना है तो इसका मतलब हम डायमंड से हीट ट्रांसफर करवाएंगे अगर हमें बहुत स्लो स्लोली करवाना है तो स्टील से करवाएंगे हालांकि स्टील भी बहुत महंगा आता है तो इन सब चीज़ों के कॉस्ट के आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं मटेरियल का कहाँ पर किसकी क्या रिक्वायरमेंट है और कितना हमें रिक्वायरमेंट है अगर जरूरत हमारे स्टील की है तो फिर हमें सिल्वर यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं कॉपर यूज करने की ज़रूरत नहीं एलोनीम यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं हाँ फिर वहाँ पर सेकंड कंपोनेंट कंडीशन आती है कि अगर हमारा कोई आ, हम कोई ऐसा मटेरियल हैंडल कर रहे हैं केमिकल हैंडल कर रहे हैं है, जो कि उन सब कंडीशनों के लिए ठीक नहीं है मालूम पड़ेगा कि स्टील यूज़ करेंगे तो खराब हो जाए अलोमियम यूज़ करेंगे तो ठीक है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे क्योंकि अब इसका हीट ट्रांसफर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से हम फ्लोरेट जो है मटेरियल का उसका एड्रेस करेंगे कम करेंगे तो आप काफी लगी। आपको ये आइडिया काफ़ी लगेगी जब हीट ट्रांसफर आपको हीट एक्सचेंजर पढ़ाएंगे तो काफ़ी एक ब्रॉड आइडिया हम देंगे आपको आगे सिलेबस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो कुछ टॉपिक लिखते हैं अच्छा जी डायमंड और कॉपर में रिलेशन है लगभग फाइव टाइम्स का इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम क्वेश्चन आपको करेंगे लिखिएगा आल एलिमेंट गुड कंडक्टर ऑल एलिमेंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ट्रांसफर जो ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से सारे एलिमेंट जितने अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हैं उतने अच्छे हीट ट्रांसफर के लिए भी हैं बट इसमें से एक एग्जाम्पल है इसके बोलते हैं डायमंड बट लिखो डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कनेक्टर नहीं है मतलब ज़ीरो कनेक्ट जीरो कनेक्टेंस connect, है किसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए हेट के लिए बहुत अच्छा है कितना है जीरो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा किस जबकि हीट ट्रांसफर बहुत अच्छा होगा ऑनली ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर हो सकता है एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चा पूछ रहा है सर इसमें ऐसा क्यों होता है तो लिखो बिकॉज इट हैविंग परफेक्ट किशलाइन स्ट्रक्चर डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट किसलाइन नेचर का होता है इसी वजह से इसमें हीट ट्रांसफ़र तो हो जाता है बट तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है आपने देखा होगा जबकि हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है जिससे हम पेंसिल यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है जे सिर्फ अंतर इनमें अंदर स्ट्रक्चर है उसके वजह से होता है आपको मालूम है कि डायमंड जो है वो एक किसलाइन नेचर का है जबकि हमारा ग्रेफाइट जो है वो हमारा दूसरे नेचर का है फा, हमारे पास नेचर का है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार ऐसे क्वेश्चन बना के देखा इसमें यूज पूछेगा आपसे कि डायमंड का इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कनेक्टर है तो आप वहाँ पर और, और उसको लिखेगा ऊपर कि कि भाई जितने भी अच्छे कनेक्टर हैं इलेक्ट्रिस हीट के होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं ठीक क्योंकि आपको दूसरी बात याद रह, याद होना चाहिए उसने ये कहीं पर नहीं बोला है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का है अगर वह हीट अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का है तो हीट का भी होगा ठीक है अगर वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब सेंटेंस था अगर इलेक्ट्रिसिटी का है तो हीट का भी होगा बट एक्चुअली उसने सेंटेंस में क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि अगर वो उल्स का उल्टा अगर हीट का भी है तो एसिड का भी होगा तो ऐसा कुछ नहीं बोला है तो उसके आधार पे जो है आप इसका आंसर दे सकते हो क्लियर होगी होगी बात तो ये लेक्चर आज यहीं तक होगा फिर मिलते हैं नमस्कार जय हिंद जय भारत